First of all, देखो यहाँ पर दो शब्द हैं. पहला शब्द जो है वो है थर्म. दिखाई दे रहा है थर्म. थर्म थर्म का मतलब होता है बेटा हीट. क्या होता है हीट? थर्म का मतलब होता है हीट. ठीक है, हिंदी में उसको बोलते हैं उष्मा, हीट. ठीक है, और दूसरा वर्ड है डायनामिक्स. क्या वर्ड है? डायनामिक्स. डायनामिक्स का मतलब होता है बेटा मोशन. क्या मतलब होता है? मोशन. बात समझ में आता है? तो यहां पर थर्म मतलब हीट, डायनामिक्स का मतलब मोशन या मूवमेंट, कुछ भी कह सकते हो. ठीक है, मोशन है या मूवमेंट है, ये दोनों. मतलब क्या हुआ इस पूरे चैप्टर में आपको इसकी स्टडी करनी है, द मोशन ऑफ हीट. मतलब इस पूरे चैप्टर में हमें द मोशन ऑफ हीट का स्टडी करना है. द मोशन ऑफ हीट इसका हमें स्टडी करना है. बात समझ में आता है? ये उसी के ऊपर पूरा चैप्टर है, मोशन ऑफ हीट. किस तरह से हीट का मूवमेंट होता है, ठीक है, जब कोई भी रिएक्शन होती है. और इसी से रिलेटेड है, जो मोशन ऑफ हीट के बेसिक टर्म्स को हम लोग पढ़ लेंगे तो हम उसको अप्लाई करेंगे केमिकल रिएक्शंस के ऊपर, कि किस तरह से डेली रूटीन में जो केमिकल रिएक्शन या फिर किसी भी तरह से हम कोई केमिकल रिएक्शन करवाते हैं उसमें हीट का मूवमेंट या हीट का मोशन किस तरह से होता है. जैसे कि हम कंबशन करते हैं तो आपको सबको पता है कि कंबशन जब हम करते हैं तो हीट लिबरेट होती है. बात समझ में आता है? वहां मूवमेंट हो रहा है, हीट बाहर निकल रही है. जब आप सुबह सुबह ठंड पड़ रही है तो पानी गर्म करते हो, पानी गर्म करते हो तो आप क्या करते हो, हीट देते हो पानी को. समझ में आता है? क्लियर हो गया? तो वहां पर हीट का मूवमेंट कैसा है, एंडो, आप अंदर डाल रहे हीट देने से आपका पानी गर्म होगा. समझ में आता है? लेकिन कई कंबशन करते हो तो हीट लिबरेट होती है. तो हीट का मूवमेंट किस तरह से है हमको उसी को स्टडी करते हैं इस पूरे चैप्टर में. समझ में आएगा? पहले तो हम लोगों को बेसिक टर्म्स पढ़नी है थर्मोडायनेमिक्स की, फिर इन्हीं थर्मोडायनेमिक्स की बेसिक टर्म को हम लोग अप्लाई करेंगे कहां पे, केमिकल रिएक्शंस के ऊपर. तो सेकंड पार्ट पर हम आ जाएंगे जिसको बोलेंगे थर्मोकेमिस्ट्री. बात समझ में आता है? सो दिस इज कॉल्ड योर बेसिक्स. थर्म का मतलब हीट, डायनेमिक का मतलब क्या होता है, मोशन और मूवमेंट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम द बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक लगाओ, द बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. इसको लिखो, द बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. इनिशियली जो चैप्टर है आपको थोड़ा क्या रहेगा, थ्योरेटिकल चैप्टर है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे क्या होंगे, न्यूमेरिकल पोर्शन आएगा और वो कंप्लीटली न्यूमेरिकल पोर्शन ही आगे, तो उसको ध्यान से हम लोगों को पढ़ना है. द बेसिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सबसे पहले लिखो थर्म मतलब हीट, डायनेमिक, डायनेमिक्स मतलब मोशन और मूवमेंट. तो इस पूरे चैप्टर में हमें किसकी स्टडी करनी है, द मोशन ऑफ हीट, इसका हमें स्टडी करनी है. ठीक है, लिख लिया सबने? अब लिखो सम बेसिक टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. टॉपिक लगाओ सम बेसिक टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. थर्मोडायनेमिक्स की कुछ बेसिक टर्म्स को हम लोग देखेंगे. चलो यहां से चैप्टर का शुभारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं चैप्टर. देखो जरा सम बेसिक टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिख लिया. सबसे पहली टर्म लिखो सिस्टम. सिस्टम, सिस्टम. ठीक है, कुछ बेसिक टर्म्स हैं. इनिशियली ये जो चैप्टर है थ्योरेटिकल है, उसको बहुत ध्यान से समझना है, बार बार यूज होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टर्म है सिस्टम. लिखो सिस्टम इज दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स. सिस्टम इज दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स, दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स. ठीक है, सिस्टम इज दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स इन विच लिख लिया. सिस्टम इज दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स इन विच द थर्मोडायनेमिक, द थर्मो डायनेमिक चेंजेस, द थर्मोडायनेमिक चेंजेस. ठीक है, हैज बीन स्टडीड. देखो हम इस पूरे चैप्टर में, वैसे सिस्टम का मतलब तो
तो तुम लोग जानते ही हो लेकिन सिस्टम का मतलब इसके से रिलेटेड क्या है जरा उसको देखें सिस्टम वो पार्ट है यूनिवर्स का जहां पर हम लोगों को क्या करना है थर्मोडायनेमिक चेंजेस को स्टडी करना है बात समझ में आता है तो यूनिवर्स ये सारा यूनिवर्स है उसमें मैं स्टडी करना चाहता हूं कि इस पर्टिकुलर पार्ट को ले लेते हैं जैसे ये चौक है तो ये चौक हमारे लिए क्या हो गया सिस्टम इस यूनिवर्स में ये पर्टिकुलर जो पार्ट है हमारे पास यूनिवर्स का ये यूनिवर्स का पार्ट ही तो है मैं भी पार्ट हूं आप भी पार्ट हो ये क्लासरूम भी पार्ट है मान लो इस चौक की मुझे स्टडी करनी है समझ में आ गया तो ये चौक हमारे लिए क्या हो गया सिस्टम बात समझ में आता है जैसे कि ये एक पानी का बोतल है इसमें पानी है मुझे इस पानी का स्टडी करना है कि इस पानी में अगर मैं इसको गर्म करूंगा तो हीट किस तरह से कितना देना पड़ेगा ऑल दैट समझ में आता है थर्मोडायनेमिक चेंजेस का अगर मुझे इसमें स्टडी करना है तो इसमें भरा हुआ पानी हमारे लिए क्या हो गया सिस्टम बात समझ में आता है क्लियर हो गया सबको तो सिस्टम वो यूनिवर्स का पार्ट इस यूनिवर्स का वो पार्ट जिसमें हमें क्या करना है अपनी थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी करनी है बात समझ में आता है सबको क्लियर हो गया सिस्टम क्या है तो चलो नेक्स्ट सेकंड टर्म लिखो सराउंडिंग लिखो The part of universe except system, ठीक है, is called surrounding. बड़ा आसान है, देखो जरा ध्यान से, surrounding क्या हुआ? इस यूनिवर्स में अगर मुझे इस चौक की स्टडी करनी है तो ये मेरे लिए सिस्टम हो गया इसके अलावा जो भी चीज है वो मेरे लिए क्या हो गई सराउंडिंग बात समझ में आता है बड़ा आसान है तो सिस्टम जिसके लिए मुझे थर्मोडायनेमिक चेंजेस की स्टडी करनी है और सराउंडिंग सिस्टम के अलावा जो बचा यूनिवर्स में वो हमारे लिए क्या हो गया सराउंडिंग सबसे खास बात पर आते हैं थर्ड टर्म लिखो बाउंड्री देखो बाउंड्री इज दैट पार्ट विच सेपरेट सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग बाउंड्री वो पार्ट है जो कि क्या करती है सिस्टम को सराउंडिंग से क्या करती है अलग करती है और इसमें एक नोट है कि लिखो बाउंड्री मे नॉट बी डेफिनेट बाउंड्री कैसी होती है बाउंड्री डेफिनेट भी हो सकती है और बाउंड्री कैसी हो सकती है डेफिनेट नहीं भी हो सकती अब उसका मतलब समझो देखो अगर ये मेरे लिए सिस्टम है जरा ध्यान से तो देखना मैं इस चौक की स्टडी करना चाहता हूं जरा ध्यान से समझना अगर ये मेरे लिए सिस्टम है तो बाकी बचा हुआ क्या हो गया सराउंडिंग क्या सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में कोई बाउंड्री है नहीं डेफिनेट बाउंड्री नहीं बात समझ में आता है ये सिस्टम सीधे सराउंडिंग से टच कर रहा है सिस्टम मतलब आसपास की एयर भी तो सराउंडिंग होगी इसके लिए ये सिस्टम है तो आसपास की एक सराउंडिंग होगी वो आसपास की सराउंडिंग एयर भी इसे आकर टकरा रही है बात समझ में आता है इसका मतलब बाउंड्री क्या है डेफिनेट नहीं है इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में बाउंड्री डेफिनेट नहीं है बात समझ में आता है लेकिन अगर मैं इस पानी की बात कर लूं इस बोतल में भरा हुआ पानी ठीक है मुझे उस पानी की स्टडी करनी है इसका मतलब उस बोतल में भरा हुआ पानी हमारे लिए क्या हो गया सिस्टम और बाकी हमारे लिए क्या हो गया सराउंडिंग तो जरा ध्यान से देखो ये जो बॉटल है बेसिकली वो हमारे लिए क्या काम कर रही है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक डेफिनेट बाउंड्री की तरह काम कर रही है बात समझ में आता है क्लियर हो गया सबको तो बाउंड्री का मतलब है वो जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करे बाउंड्री डेफिनेट भी हो सकती है और इनडेफिनेट भी हो सकती है बात समझ में आ सकता चलो तो हमारी बेसिक टर्म्स हो गई अब जरा ध्यान से देखो बाउंड्री हमारी मैंने कहा डेफिनेट भी हो सकती है और इनडेफिनेट मतलब डेफिनेट नहीं भी हो सकती तो उसके अकॉर्डिंग हमारे जो सिस्टम है वो तीन तरह के होते हैं लिखो अकॉर्डिंग टू बाउंड्री देर आर थ्री काइंड ऑफ सिस्टम्स अकॉर्डिंग टू बाउंड्री देर आर थ्री काइंड ऑफ सिस्टम्स
तीन तरह के सिस्टम होते हैं। बाउंड्री के हिसाब से देयर आर थ्री काइंड ऑफ सिस्टम्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या हो गया, टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। तो पहला सिस्टम देखो कौन सा होता है, पहला सिस्टम होता है ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम। दूसरा सिस्टम कैसा होता है, दूसरा होता है क्लोज्ड सिस्टम, कैसा होता है, क्लोज्ड सिस्टम। और तीसरा होता है आइसोलेटेड सिस्टम, कैसा होता है, आइसोलेटेड सिस्टम। देखो बाउंड्री के हिसाब से मैंने आपको यहां पर तीन तरह के क्या बताए, टाइप्स ऑफ सिस्टम बताए, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। और इसको ध्यान से समझना, बड़ा आसान है। जरा ध्यान से यहां देखो, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम को अपन यहां डिफाइन करते हैं। लिख लिया सबने, तो चलो आओ पहले इसको समझो। व्हाट इज ओपन सिस्टम, देखो जरा ध्यान से। ओपन सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें बाउंड्री बिल्कुल भी डेफिनेट नहीं है, मतलब उसमें मास का, सिस्टम में जो भी मास पड़ा होगा, मास का एक्सचेंज भी सराउंडिंग से हो सकता है और हीट का एक्सचेंज भी सराउंडिंग से हो सकता है। जैसे एग्जांपल देता हूं, कप किसका, चाय का है। तुमने चाय का कप लिया, ठीक है, वो ऊपर से खुला हुआ है तो तुम चाय पियोगे, समझ में आता है, वो चाय का कप, चाय हमारे लिए सिस्टम हो गई, बात समझ में आता है। और आपस में आसपास क्या है, सराउंडिंग। अब उसमें से चाय पियोगे तो जो सिस्टम था उसमें से मास तो कम हो गया ना सब्सटेंस का, दूसरा वो अगर चाय थोड़ी देर पड़ी रहे तो ठंडी हो जाएगी। इसका मतलब वो सिस्टम सराउंडिंग से क्या कर रही है, हीट को एक्सचेंज भी कर रही है। मतलब क्या हुआ, ना तो वहां पे मास कांस्टेंट हुआ, मास को किससे दिखाऊंगा, स्मॉल एम से, बात समझ में आता है, ना तो वहां पे मास कांस्टेंट है, मतलब मास चेंज हो सकता है। ओपन सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसमें सब्सटेंस यानी कि सिस्टम का मास चेंज हो सकता है, बात समझ में आता है, और वहां पर ना ही हीट कांस्टेंट है। अब मैं हीट को किससे दिखाऊंगा, स्मॉल क्यू से, ये आपको ध्यान रखना है। इस पूरे चैप्टर में हीट को हम स्मॉल क्यू से दिखाएंगे, बात समझ में आता है। तो ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बाउंड्री डेफिनेट नहीं है, उसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मास का एक्सचेंज भी हो सकता है और साथ साथ हीट का एक्सचेंज भी हो सकता है, बात समझ में आ गई, जैसे कप ऑफ टी, बात समझ में आता है, क्लियर हो गया। तो लिखो ओपन सिस्टम आर दो सिस्टम्स, ओपन सिस्टम आर दो सिस्टम्स इन विच, ओपन सिस्टम आर दो सिस्टम In which the exchange of mass, in which the exchange of mass as well as the exchange of heat, as well as the exchange of heat, as well as the exchange of heat is possible. Is possible between, as well as the exchange of heat is possible between system and surrounding. Between system and surrounding. नीचे नोट लगा के लिख लो, in open system, नीचे नोट लगाओ, in open system. There is no definite boundary. In open system, there is no definite boundary. चलो, समझ में आया? आसान है? Clear हो गया? Open system क्या होता है? वहाँ पर ऐसा लिख लो, mass is not constant, mass भी constant नहीं है, और heat is also not constant. यहाँ पर ये लिख लेना, Q का मतलब क्या हो गया? Heat. Heat को मैं कैसे लिखूँगा? Q से. समझ में आता है? चलो. चले आगे, अब देखो क्लोज, देखो क्लोज सिस्टम ऐसे सिस्टम होते हैं जिनमें मास तो कांस्टेंट रहता है, मास कैसा रहता है, कांस्टेंट, मतलब मास का एक्सचेंज नहीं हो सकता, लेकिन जो हीट है वो कांस्टेंट नहीं होती, यानी कि हीट का एक्सचेंज हो सकता है, क्या हो सकता है, हीट का एक्सचेंज हो सकता है। जैसे कि ये बोतल देखो, ये पानी की बोतल, देखो ये पानी की बोतल बंद है,
समझ में आ गया? क्या इसमें से पानी बाहर निकल सकता है? नहीं। बात समझ में आता है? तो ये जो डेफिनेट बाउंड्री है उसने क्या किया, सिस्टम और सराउंडिंग को क्या अलग अलग कर दिया, पहली चीज तो। बात समझ में आता है? तो इसका मतलब क्लोज सिस्टम में बाउंड्री डेफिनेट होगी जिसमें मास एक्सचेंज नहीं हो सकता। क्या मास सिस्टम से एक्सचेंज हो पा रहा है अभी? नहीं हो रहा। ये देखो बंद, बात समझ में आता है? लेकिन मैं इसको गर्म करना चाहूं तो हीट तो एक्सचेंज होगी, बात समझ में आती है? मगर इसको गर्म करना चाहूं तो बेसिकली क्या होगा, ये गर्म हो जाएगा पानी, ना तो हीट एक्सचेंज हो सकती है। बाद में उसी गर्म पानी को, वो जो गर्म पानी है, वही पानी वाटर की बोतल लेट अस सपोज गर्म, ठीक है, मैं उसको रूम टेम्परेचर पर लाके रख दूं तो हीट एक्सचेंज हो गए, थोड़े बहुत क्या होगा रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा। मान लो बहुत ठंडी है, फ्रिज से निकाल के लाया, उसको रूम टेम्परेचर पर रख दो तो पानी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, रूम टेम्परेचर तक आ जाएगा ऑलमोस्ट 25 डिग्री तक। इसका मतलब इसमें मास तो कॉन्स्टेंट है लेकिन हीट कॉन्स्टेंट नहीं है। बात समझ में आता है? क्लियर हो गया? तो ऐसा सिस्टम जिसमें मास कॉन्स्टेंट हो लेकिन हीट कॉन्स्टेंट ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज सिस्टम। लिखो इनक्लोज सिस्टम, इनक्लोज सिस्टम मास इज कॉन्स्टेंट, इनक्लोज सिस्टम मास इज कॉन्स्टेंट, मास इज कॉन्स्टेंट बट हीट इज नॉट कॉन्स्टेंट, बट हीट इज नॉट कॉन्स्टेंट। समझ में आता है? हीट इज नॉट कॉन्स्टेंट, ठीक है। दैट मीन्स देखो, दैट मीन्स हीट कैन बी एक्सचेंज, दैट मीन्स हीट कैन बी एक्सचेंज बिटवीन system and surrounding, that means heat can be exchanged between system and surrounding। चलो हो गया, नोट लगा के इसमें लिख लो, enclosed system the boundary is definite, enclosed system the boundary is definite, the boundary is definite, boundary कैसी होती है closed system में, definite, but the boundary is conductor of heat, the boundary is conductor of heat, heat ही conductor है तभी तो heat exchange हो रहा है। बात समझ में आ रहा है क्या? But the boundary is conductor of heat, समझ में आ गया सबको, most important, clear है? चलो आगे चले, नेक्स्ट लिखो, आइसोलेटेड सिस्टम। देखो आइसोलेटेड सिस्टम की बात करते हैं। देखो आइसोलेटेड सिस्टम में मास कांस्टेंट होता है, साथ साथ में क्या होती है, हीट भी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। मतलब ना तो आप मास का एक्सचेंज कर सकते हो ना ही आप हीट का एक्सचेंज कर सकते हो। बात समझ में आती है? ना ही मास और ना ही हीट, जैसे कि थर्मस होता है, थर्मस पे चाय पड़ी हुई है, समझ में आ गया, और उसको अपने टाइम के लिए बंद करके रखा हो तो आप उससे चाय नहीं निकाल सकते, चाय नहीं एक्सचेंज हो सकती। साथ में क्या है, हीट भी एक्सचेंज नहीं हो सकती क्योंकि थर्मस है, थर्मस का तो काम ही है गर्म चीज को गर्म रखना, ठंडी चीज को ठंडी रखना। बात समझ में आता है? तो आइसोलेटेड सिस्टम, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, लिखो आइसोलेटेड सिस्टम आर दो सिस्टम्स इन विच isolated system are those systems in which neither mass nor heat is exchanged, neither mass nor heat can be exchanged between system and surrounding। ठीक है, समझ में आ गया? ना तो मास और ना ही हीट सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक्सचेंज हो सकती है, नहीं हो सकती। समझ में आ गया सबको? क्लियर हो गया? थोड़ी लैंग्वेज में थोड़ा नीचे डाउट लिख कर था। चलो अब आगे चलते हैं,
इसमें ना तो मास आप क्या कर सकते हो एक्सचेंज कर सकते हो ना ही हीट, मतलब मास भी कांस्टेंट है हीट भी कांस्टेंट है। हां अंग्रेजी में समझ पाता है, लिख लिया थोड़ा स्टार लगा लेना, अंग्रेजी मेरी थोड़ी कमजोर है। चलो अब आगे चलते हैं, ये लिख लो मास कांस्टेंट हीट कांस्टेंट, लिख लिया। अब जरा ध्यान से देखो, खास बात इसमें हीट कांस्टेंट है यानी हीट एक्सचेंज नहीं हो सकता। तो इस तरह की बाउंड्री को हम लोग बोलते हैं, वर्ड लिख रहा हूं उसको ध्यान से समझना, उसको बोलते हैं एडियाबेटिक बाउंड्री। क्या बोलते हैं? एडियाबेटिक बाउंड्री। लिखो लिखो, द बाउंड्री इन आइसोलेटेड सिस्टम इज कॉल्ड एडियाबेटिक बाउंड्री, इज कॉल्ड एडियाबेटिक बाउंड्री। ठीक है, एडियाबेटिक बाउंड्री क्लियर है? क्यों कहते हैं इसको एडियाबेटिक बाउंड्री? बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इसलिए इसको ध्यान रखना, क्योंकि ये हीट का एक्सचेंज नहीं कर रहा है, हीट यहां पर कांस्टेंट है। तो जब भी आपकी हीट की एक्सचेंज ना हो, हीट कांस्टेंट हो, ठीक है, यानी कि बाउंड्री क्या कर रही है, इंसुलेटर है हीट के लिए, कंडक्टर नहीं है। लिखो बाउंड्री, बिकॉज बाउंड्री इज आइसोलेटेड फॉर हीट, बिकॉज बाउंड्री इज आइसोलेटेड फॉर हीट, हीट के लिए कैसी है, आइसोलेटेड है। ठीक है, समझ में आता है, हीट के लिए क्या है, आइसोलेटेड भी कह सकते हैं अपने यहाँ पर कंडक्टर का उल्टा क्या बोलते हैं उसको, इंसुलेटर। तो हीट के लिए इंसुलेटर की तरह भी है, क्लियर है? That's why this boundary is called what? Adiabatic boundary. Word ध्यान देगा, it's not adiabatic, it's adiabatic. इसको pronunciation अच्छे से करना, बात समझ में आता है, क्लियर हो गया? तो तीन तरह के सिस्टम होते हैं। चलो